नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, साइज के हिसाब से इसे हमने अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है और बोट नेक गले का ये डिजाइन है। लंबाई इसकी हमने 14.5 इंच ली है, तो यह लंबाई हम 13.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से देखिए 9 इंच लिया है, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। देखिए शोल्डर भी इसका 7 इंच लेना है, बोट नेक के अकॉर्डिंग इसका शोल्डर ले लेना है 7 इंच। आर्म होल शोल्डर दोनों सेम ही लेने हैं, आर्म होल भी 7 इंच और शोल्डर भी 7 इंच। देखिए जो गले की चौड़ाई है वो हमने 4 इंच 2 पॉइंट ली है और गले की जो गहराई है 11.5 इंच, तो यहाँ पर पूरी 12 आ जाएगी। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ऊपर से हमने 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है, 3 इंच ले सकते हैं आप या 2.5 इंच। उसके बाद देखिए 9 इंच आएगा, तो 4.5 इंच पर यानी बराबर पर एक निशान लेना है, तो हम 4.5 इंच पर इस तरह से ले लेंगे। यहाँ से देखिए इसको सीधा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 कट रखेंगे, तो दोनों को इस तरह बराबर से रखना है। अब देखिए नीचे की तरफ ये थोड़ा सा 0.5 इंच और हो गया है, तो पूरी गहराई इसकी जो गले की है 11 इंच हो गई है। अब देखिए इसको हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। अब देखिए जहाँ से डिजाइन का कट का जो निशान है समझ में आ रहा है, तो इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर अच्छे से बना लेना है वहीं से। अब इसे दूसरी साइड भी बना लेना है। उसके बाद 1 इंच बचाते हुए जो ज़्यादा आएगा उसे कट कर देंगे, 1 या 1.5 इंच बचा लेना है, उसके बाद कट कर देना है। अब देखिए पहले अस्तर और कपड़े पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, तो नीचे की तरफ से हम पलट कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और सीधी साइड में कपड़े के अस्तर को रखना है। तो देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है, अब पूरे अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है साइड से भी। तो देखिए सिलाई लगा दी है और सिलाई के बाहर जो आएगा कपड़ा उसको हमने कट कर दिया है, अस्तर के साइज का रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है और इस पर देखिए इस तरह से निशान बना लेना है, सेंटर मार्क कर लेना है। अब देखिए जो गला कट किया है इसे हमने कपड़े के ऊपर रखकर पेस्ट कर दिया है, प्रेस कर दिया है, तो अच्छे से कपड़े पर से पेस्ट हो गया है। अब देखिए इसका भी जो ज़्यादा कपड़ा है कट करेंगे, फोल्डिंग के लिए यहाँ पर 0.5 इंच बचा लेंगे और बाकी कट कर देंगे। इस तरह से देखिए अब कपड़े को फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसको देखिए, दो जो कपड़े पर जो निशान है और जो इस गले पर है, दोनों को मिलाते हुए रखकर सिलाई लगा देनी है। तो इसको देखिए अच्छे से मिलाना है, थोड़ा भी तिरछा नहीं करना है, नहीं फिर जो गला है तो सही से नहीं आएगा, तिरछा हो जाएगा। तो देखिए सिलाई लगा दी है, अब इसे कट कर देना है। तो देखिए यहाँ से दोनों साइड सिलाई डली है और यहाँ से ये देखिए इस तरह से कट कर हो जाएगा। तो देखिए कट करने के बाद पूरे गले पर देखिए इस तरह से कट लगा देने हैं। अब इसको पलट कर अंदर की तरफ पलटना है। तो यहाँ पर देखिए जो कपड़ा है उसको अच्छे से निकाल लेना है, पूरा कपड़ा बिल्कुल दबा नहीं होना चाहिए। तो पूरा कपड़ा अच्छे से निकाल देंगे, दोनों साइड का बनाते हुए अच्छे से निकाल लेना है और इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट देना है। उसके बाद देखिए अच्छे से बनाकर पूरे गले पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब देखिए इस तरह से कपड़ा लेंगे, यहाँ पर देखिए हम 5 इंच का चौकोर ले लेंगे। और इस तरह देखिए इसको मोड़ते हुए यहाँ इस साइड गोलाई में कट करना है। अब देखिए इस तरह से इसको कट करना है। तो इस तरह से इसे कट कर दिया है। अब इस पर अस्तर लगाना है। तो देखिए इसी साइज का जो अस्तर का कपड़ा है उसको भी कट कर लेना है। अब देखिए इस तरह मोड़ेंगे और देखिए जो कट लगाया है, जो डिजाइन ली है उस पर नहीं लगाना है, तो उसके बाहर से मिलाते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगाना है। तो एक तरफ अंदर की तरफ हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। तो देखिए जो ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा जो अस्तर वाला कपड़ा ज़्यादा है उसको कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से दो और हमने बना लिए हैं, तो पूरे 4 लेने हैं तो दो और हमने तैयार कर लिए थे। अब देखिए डोरी लेंगे तो इससे हम लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से लटकन बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 डोरी ली है, 4 लटकन लेनी है। इसी तरह से लटकने बना लेनी है।
तो इस तरह देखिए लटकन तैयार हो गई है। अब इसको लगाना है गले पर, तो इस तरह से देखिए लगा देंगे। तो देखिए लटकन को अच्छे से लगा दिया है। अब इसको इस तरह से बांध देना है। तो डिजाइन अब बन के तैयार है, इसे इस तरह बांध देंगे। तो आप देखिए चाहे तो डोरी की, जो हमने डोरी लगाई है, डोरी की जगह पर इस पर बटन लगा सकते हैं अगर डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो। तो इस तरह से बोटने गले का डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।